अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नवीद और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के सबसे मशहूर तरीन इलाके में जिसका नाम है तारिक रोड। और तारिक रोड में भी मैं राबी सेंटर में मौजूद हूं। राबी सेंटर 1986 को लॉन्च हुआ, मतलब इसका जो बुनियाद रखा गया वो 1986 में रखा गया और ये आज तक माशाल्लाह से बहुत अच्छी हालात में है। इधर मुख्तलिफ वैराइटीज़ का काम मिलता है, जैसे कि ख़वातीन के हवाले से, मर्दों के हवाले से, बच्चों के हवाले से। और आपको जैसा कि पता है कि ईद की आमद बिल्कुल स्टार्ट है, माशाल्लाह से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो आइए लोगों से बात करते हैं, ताजिरों से बात करते हैं कि उनका अपना क्या व्यू है, वो क्या समझते हैं, मार्केट को कहाँ देख रहे हैं और किस हद तक पॉजिटिव सोच रहे हैं रमज़ान को और ईद को लेकर। आइए, राबी सेंटर माशाल्लाह से इतना पुराना शॉपिंग सेंटर है और यहाँ पे रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश होता है, आप क्या समझते हैं इस दफ़ा का रमज़ान आप कैसे देख रहे हैं? इस दफ़ा का अच्छा जाएगा, लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है माशाल्लाह से, अच्छा जाएगा इस दफ़ा। अभी शाबान में तो होता है, थोड़ा स्लो होता है काम। कौन सी लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, मतलब किड्स के हवाले से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, ख़वातीन के हवाले से? ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा होते हैं, किड्स तो यहाँ पर नहीं होता, ख़वातीन की होती है ज़्यादातर। कपड़ा आप देख ही रहे होंगे, कपड़े इस वजह से लेडीज़ का होता है। अच्छा, अमूमन मैंने देखा है लोग जो ना बहुत ज़्यादा रश की जगह पे जो है ना वो अपने आप को ले जाने की कोशिश करते हैं, लाइक जहाँ जिस मार्केट में ज़्यादा रश है यार वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिली होगी या वो बहुत ज़्यादा पुराना है इस वजह से। तो ये राबी सेंटर का यह ऐसे ही कोई व्यू है या इस मतलब क्वालिटी भी है? ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी होती है, हर चीज़ की क्वालिटी होती है तो कस्टमर आता है। ऐसे तो नहीं आता कोई भी कि कहीं पे भी चले जाए, वरना मोहल्ले में भी बहुत सारी मार्केटें इधर उधर भी, आजकल तो इलाके वाइज मार्केटें खुल गई हैं तो कस्टमर जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है वहीं जाता है, ये कस्टमर का राइट है। रमज़ान में मतलब आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह पॉजिटिविटी है? जी जी बिल्कुल पॉजिटिविटी है। ये आप जो काम करते हैं ये लेडीज़ वेयर है ना, तो रमज़ान में अब माशाल्लाह से जो है काम स्टार्ट हो जाता है कपड़े वालों का, चाहे वो किसी भी जेंट्स के कपड़ों में काम कर रहे हो या लेडीज़ के, यानी कॉटन का जो भी काम कर रहे हैं, आप इस रमज़ान को कहाँ देखते हैं, मतलब कैसा सोचते हैं कि रमज़ान में इस दफ़ा बिज़नेस है? रमज़ान में वाकई काम का टाइम होता था हमारा, अभी जो रमज़ान आ रहे हैं ना इस रमज़ानों में काम का जो पहले जिस तरह काम था अभी उस तरह काम नहीं है ना, उस तरह चीज़ें और काम ठंडा होता है। रमज़ानों में पहले अच्छा सा काम होता था, वाकई ईद भी आता था, शादी लोग की हिसाब भी सिस्टम चलता था, तो अभी माशाल्लाह उस तरह काम नहीं है जो पहले जिस तरह काम होता था। अच्छा सर, मुझे बात बताएं, पिछले दो साल से तो लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा था, तो वैसे ही बिज़नेस नहीं था, 8 बजे दुकानें बंद कर दें, 4 बजे कर दें, जो भी SOPs थी उसको फॉलो कर रहे थे। इस रमज़ान में तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, ना ही कोई कोविड का मसला है, तो अब आप क्या समझते हैं कि इस रमज़ान में बिज़नेस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा जब कोविड का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो वजह क्या है? वजह ये है जो आप बोले, 2 साल तो कोरोना था, कोरोना की वजह से तो टाइम भी कम था और कुछ मार्केटें भी बंद भी थी। अभी जो है हालात की वजह से भी ऐसे हालात भी आप देख रहे हो क्या हालात चल रहे हैं, एक तो महंगाई की वजह से लोग हाथ रुके हुए हैं, एक बात बताएं, एक नए मसला आते हैं आवाम के सामने वो हाथ रुक जाते हैं, तो इसकी वजह से काम में असर पड़ जाता है। अच्छा, राबी सेंटर में बहुत सारी शॉप्स मैंने अभी देखी, 5 फ्लोर तक माशाल्लाह से जेंट्स लेडीज़ किड्स हर तरह का काम है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्लाइंट कौन है, मतलब ज़्यादा क्लाइंट कौन आते हैं, ख़वातीन आती हैं मर्द आती हैं? नहीं, ज़्यादा क्लाइंट इधर है जो ये 4 मल्ले हैं, 4 मल्ले में ये 3 मल्ले लेडीज़ का कारोबार है, इधर सारे जेंट्स वाले नहीं, लेडीज़ शॉप है सारे, यहाँ पर ज़्यादा आते हैं लेडीज़ आते हैं, ख़वातीन आते हैं। ये बताइए कि आपके पास ये ख़वातीन के हवाले से, मैं बहुत बड़ा काम देख रहा हूँ, किस तरह के आर्टिकल्स हैं? मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े के हवाले से ब्राइडल के अलावा तमाम वैराइटीज़ अवेलेबल है, जैसे नेट हो गया, शेफोन हो गया, कार्डी हो गई, रॉस सिल्क हो गया, यानी कि जो भी स्टफ़ आप बोले हैं मेरे पास। अच्छा, मुझे बताएं आप कितने अरसे से इस बिज़नेस में? मेरा तो ख़ानदानी काम है ये, लेकिन मैं खुद राबी सेंटर में 6 साल से हूँ। राबी सेंटर भाई बहुत पुराना शॉपिंग सेंटर है, मैंने अभी लोगों से थोड़ी सी बातचीत करी तो 1986 से ये जो है वो बुनियाद इसकी रखी गई थी। आपका राबी सेंटर और पिछले सालों के राबी सेंटर में कोई फ़र्क है?
यार फ़र्क तो जाहिर सी बात है पूरे मुल्क पूरी दुनिया में आया है, तो राबी सेंटर में तो जाहिर सी बात है वो भी दुनिया का हिस्सा है, फ़र्क देखने को काफ़ी मिला है। मेरे 6 साल के केरल में मुझे बहुत फ़र्क मिला है, तो जाहिर सी बात है पिछले दौर से और अभी का बहुत फ़र्क है। अच्छा, पिछले 2 साल में तो ये देखा गया है कि भाई वो कोविड की वजह से बहुत सारे पूरी दुनिया में ही मामला ख़राब थे, इस दफ़ा आप रमज़ान को ईद को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? इंशाल्लाह इस दफ़ा हमें उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। जैसे कि हुकूमती नुमाइंदों से भी हमें ये मिला है कि कोरोना से काफ़ी सारी जो मुश्किलात है और बहुत सारी जो उन्होंने बंदिश लगाई थी वो हटा दी गई है, तो हमें उम्मीद है कि इस साल रमज़ान इंशाल्लाह तमाम ताजिरों के लिए अच्छा गुजरेगा। सर क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई मुझे बताइए आपका काम क्या है? ये मर्दाना जेंट्स कपड़ों का काम है। तो किस तरह के क्लाइंट्स आपके, किस रेंज में क्लाइंट्स आते हैं, कितने पैसों से लेकर और कितने पैसों तक की रेंज है आपके कपड़े में? जी हमारे पास जो रेंज है 600 रुपये से लेके सूट है 4000 तक का सूट है। इसमें कस्टमर की जो डिमांड होती है 1000, 1200, 1500, बहुत से बहुत 2000 रुपये तक। बहुत कम ग्राहक होते हैं जो इवेंट के हिसाब से किसी को गिफ्ट वगैरह देना है तो वो अच्छी चीज़ मांगते हैं, वो बहुत कम आते हैं, तो वो 3000-4000 तक का लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात है भाई सलीम भाई, यहाँ पे मैं अभी बहुत सारी जगहों पे विज़िट करके आया, शॉप्स ऑनर से बात करता हुआ आया, ये जेंट्स की और लेडीज़ की मार्केट है, ज़्यादा रमज़ान में रश लेडीज़ के हवाले से होता है जेंट्स? नहीं, रमज़ान में जो लेडीज़ का ज़्यादा होता है और जेंट्स का होता है साल में तब कम से कम 15 शाबान रोज़े तक ना जेंट्स का ख़रीदारी का होता है, फिर इसके बाद जो है ना लेडीज़ ज़्यादा इशू बढ़ जाता है। अच्छा, इस दफ़ा माशाल्लाह से रमज़ान की आमद स्टार्ट है और ईद अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली है, क्या देखते हैं इस दफ़ा रमज़ान में, कैसा बिज़नेस है? ये तो समझ लो 2 साल के बाद तीसरे साल में रमज़ान में अपील आएगा। रमज़ान से जो पहले हम 2 साल बाद रमज़ानों की माशाल्लाह गेम गामी होती थी, रश भी होता था, अब ये 2 साल बाद देखेंगे इस रमज़ान में क्या होता है, क्योंकि महंगाई तो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो पिछले 2 सालों के जो चीज़ थी 800 रुपये का था वो 1200 रुपये का सूट हो गया है, अब लोगों की गुंजाइश देखें क्या होती है रमज़ान में। अल्लाह आप ये समझते हैं कि इंशाल्लाह रमज़ान अच्छा है? अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, उम्मीद है कि अच्छा होगा इंशाल्लाह। सो वीवर, ये था हमारा आज का प्रोग्राम तारिक रोड राबी सेंटर के हवाले से। राबी सेंटर क्योंकि तारिक रोड का एक बहुत मशहूर, फेमस और बहुत पुराना शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पे तकरीबन जो है वो वैरायटीज़ आपको अवेल हैं, जैसे कि जेंट्स सूट्स हैं, लेडीज़ कलेक्शंस हैं, इसके अलावा बच्चों की भी बहुत सारी चीज़ें इधर मिल जाती हैं। हमारी ताजिरों से ही बात हुई और आपने देखा कि ताजिरों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि रमज़ान इंशाल्लाह जो है वो हमारे लिए अच्छा होगा, ईद की तैयारियाँ चल रही हैं। और ये ईद एक ऐसा इवेंट होता है मुसलमानों के लिए दुनिया भर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोश से मनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट नवीद को इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए, पूरी टीम के लिए दुआ कीजिए और अल्लाह हाफिज़ुल नासिर। अस्सलाम वालेकुम।